सेवा जोहार सगाजन। तो चलिए सगाजन, आज जान लेते हैं कि हमारे आदिवासी समुदाय से भील के बारे में, भील का इतिहास, भील दर्शन, एक जीवन परिचय, मतलब उनके जो जीवन शैली है उसका परिचय। तो चलिए सगाजन शुरू करते हैं। इसके ऑदर है, लेखक है डॉक्टर रमेश चौहान। डॉक्टर रमेश चौहान मध्य प्रदेश बड़वानी जिले में रहने वाले और वर्तमान में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमच में हिंदी विभागाध्यक्ष एवं सहायक प्राध्यापक हैं। फोटो, भीलों के लोक देवता बाबदेव जो उनके गांव में आदिकाल से स्थापित हैं, उन्हें भीली भाषा में बाबूड़ा कहा जाता है। इस स्थान पर भील लोग अपने पुरखों को याद करते हैं, महुए की दारू तर्पण करते हैं। भीलों में विवाह आयोजन में भी बाबदेव की विशेष पूजा की जाती है। ये है सगाजन। वर्ष 1916 में ब्रिटिश प्रशासक आर्थर हेनरी एडनब्रुक सिमकॉक्स ने अपनी किताब ए मेमोरियल ऑफ द खानदेश भील कॉप्स 1825 से 1891 में लिखा। भील निसंदेह उन ट्राइब में से एक है जिन्होंने आर्यन के आक्रमण से पहले प्रायद्वीपी भारत में निवास किया था। हम यह भली भांति जानते हैं कि भील लोग मात्र भारत भूमि के आदिवासी समुदाय हैं। आदिवासी से आशा है कि आदिकाल से रहने वाला समुदाय या इंडिजिनस एबोरिजिनल। भीलों के ऐतिहासिक दार्शनिक ज्ञान हेतु मैंने भीलों के अग्रलिखित निवास क्षेत्रों का आंशिक भ्रमण कर अवलोकन किया और पाया कि आदिकाल से लेकर आज तक जिस जिस क्षेत्र में भील समुदाय के लोग निवास कर रहे हैं, वह क्षेत्र भारत के चार बड़े राज्यों में बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में 20 से अधिक जिलों में भील समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिसमें प्रमुख जिले हैं झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, रतलाम है। इसी प्रकार भील समुदाय के लोग महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों में सदियों से प्रकृति प्रदत्त जीवन शैली के साथ आज भी निवास कर रहे हैं। इन्हीं राज्यों में भीलों के कई उप समुदाय भी रहते हैं जिनके नाम हैं बारेला, भीलाला, तड़वी, वसावा, नायक, पटलिया, मानकर, मीना आदि। ये सभी उप समुदाय के रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति, कला, साहित्य आदि में बहुत साम्यता है। स्वतंत्रता संग्राम में हजारों की तादाद में भील समुदाय के योद्धा शहीद हुए हैं, जिनमें से प्रमुख योद्धाओं के नाम हैं टंटिया भील, भीमा नायक, खाजिया नायक, कलीबाई भील, सुरसी भाई नायक, गुल्लिया नायक, भागोजी नायक आदि। भील दर्शन हेतु भीलों की संस्कृति से संबंधित भीलों का इतिहास, उनकी भाषा, उनके लोक देवता, गाथाएं, पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसी विशिष्टताओं का अध्ययन महत्वपूर्ण है। भीलों के ऐतिहासिक दर्शन से ज्ञात होता है कि भीलों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विशिष्ट योगदान रहा है। यह भी सत्य है कि स्वतंत्रता संग्राम से पहले भी भीलों का इतिहास गौरवान्वित करने वाला रहा है। महाराणा प्रताप को पहचान उस समय मिली थी जिस समय भील लड़ाकू पूंजा भील ने अपनी विशाल भीली सेना का नेतृत्व करते हुए मुगलों से युद्ध किया और महाराणा प्रताप का सहयोग किया। बाद में महाराणा प्रताप को युद्ध में सफलता मिली। इस आधार पर महाराणा प्रताप सिंह की मां ने योद्धा पूंजा भील को अपना दूसरा बेटा मानते हुए उसे राणा पूंजा भील कहा था। हमने साहित्य या इतिहास में यह पढ़ा है कि महाराणा प्रताप सिंह मुगलों से युद्ध में पराजित होने पर राजस्थान के जंगलों में घास फूस की रोटी खाकर लंबे समय तक जीवित रहे। साहित्य और इतिहास के विद्वानों ने स्वयं की प्रशंसा के लिए यह गलत तर्क दे दिया। सही तथ्य यह है कि मनुष्य कभी भी घास फूस नहीं खाता है, घास फूस की रोटी बनती भी नहीं है। उस समय भी भील समुदाय के लोगों ने ही महाराणा प्रताप सिंह को लावरिया, तितरिया, सेसल्या आदि का शिकार किया और उस शिकार को भूंजकर उन्हें खिलाया और लंबे समय तक उन्हें मुगलों से छिपाकर जीवित रखा। यह सच है कि सदियों से असहाय मनुष्यों की सहायता करना भीलों की संस्कृति रही है, अर्थात
यह सत्य है कि महाराणा प्रताप सिंह को भीलों ने उस समय जंगल में शरण दी थी। स्वतंत्रता संग्राम में हजारों की तादाद में भील समुदाय के योद्धा शहीद हुए, जिनमें से प्रमुख योद्धाओं के नाम है टंटिया भील, भीमा नायक, खाजिया नायक, कलीबाई भील, सुरसीबाई नायक, गुल्लिया नायक, भागोजी नायक आदि। उपरोक्त संघर्षों के साथ ही भीली भाषा का भी एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भील शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस तथ्य से संबंधित भीलांचल क्षेत्र के कई भील समुदाय के बुजुर्ग व जानकारों से चर्चा करने पर ज्ञात हुआ कि भील तीर कमान धारण करने वाले आदिवासी समुदाय हैं। भीली भाषा में तीर को बिलखा अर्थात बहुवचन है और बिलखी अर्थात एक वचन कहा जाता है। इस आधार पर यह प्रथम तर्क है कि बिलखा शब्द से ही भील शब्द प्रचलित हुआ है। वर्तमान में यह शब्द भील समुदाय के लोगों को साहसी और कभी न समर्पण करने वाले आदिवासी समुदाय होने का परिचय देता है। भील, भीलाले और बारेला उप समुदाय के लोग एकजुट होने को भीली बोली में भेला होड़ा कहते हैं। भील समुदाय के लोग एकत्रित होकर ही समाज की संस्कृति एवं आदिम सभ्यता का निर्वाह सदियों से करते आए हैं। इस आधार से यह भी हो सकता है कि भेला होड़ा शब्द बाद में भील समुदाय की पहचान बनी। इसी आधार पर द्वितीय तर्क यह है कि भील समुदाय के लोग गैर आदिवासियों के सम्मुख या दूसरे आदिवासी समुदाय के सम्मुख स्वयं को कहते हैं कि मैं भीलड़ा हूँ या हमू भीलड़ा छे, अर्थात हम भील लोग हैं। इस कथन से आशा है कि भील कभी हार नहीं मानने वाले आदिवासी समुदाय के साहसी लोग हैं। यह एक भ्रांति है कि भीलों का नाम आदिकाल में निषाद रहा है। वेदों में भीलों के साथ अन्य आदिवासियों को भी निषाद, निशाचर, राक्षस, असुर, वनमानुष, मायावी आदि शाब्दिक नामों की अमानवीय दृष्टि से संबोधित किया गया। मायावी शब्द से आशय यह होता है कि आदिवासी लोग तंत्र मंत्र के जानकार हैं, वे लोग विज्ञान और तकनीकी को जानते हैं। भीली भाषा के तंत्र मंत्र बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भीमा नायक के शरीर पर अंग्रेजों की बंदूक की गोलियों का कोई असर नहीं होता था, वह अपने तंत्र मंत्र से बंदूक की गोलियों को बेअसर कर देते थे, अर्थात जड़ी बूटी का यूज करते रहे होंगे। दूसरा तथ्य प्रत्यक्ष अवलोकन में पाया गया कि नीमच जिले के भीलों द्वारा अपनी भीली भाषा के तंत्र मंत्र से मधुमक्खियों के काटने से उन्हें रोक दिया और पेड़ पर चढ़कर सभी मधुमक्खियों को अपने हाथों से थैलों में भरकर जंगल में छोड़ दिया गया। भीलांचल के विभिन्न भीलों के गांव में भ्रमण में पाया गया कि भीलों की भाषा समृद्ध भाषा है। सुबह से लेकर शाम तक उनके लोक व्यवहार के लिए उनके पास भीली भाषा के ढेरों शब्द है। यह भी पाया गया कि उनके त्योहारों और संस्कारों से संबंधित भीली भाषा के कई शब्द भंडार उनके पास मौखिक साहित्य के रूप में उपलब्ध है, जिसका वे समय समय पर बोलचाल में उपयोग करते हैं। भीलों के पारंपरिक वाद्य यंत्रों से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उन्हीं के माध्यम से लोग अपने पूर्वजों को उनके त्योहारों के लिए आमंत्रित करते हैं। जंगलों में भील ग्वाले आज भी वाद्य यंत्र की तरंगों के माध्यम से अपने जानवरों को बुलाते हैं और जानवर भी उनके पीछे पीछे दौड़ते चले आते हैं। अतः यह सत्य है कि वैज्ञानिकों से पहले आदिवासियों ने तरंगों को महसूस किया था। भीलों की विश्वास प्रणाली में लोक देवताओं से जुड़ी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। उनके लोक देवता कोई और नहीं, उनके पूर्वज अर्थात उनके पुरखे होते हैं। जैसे हम गोंड समुदाय में मानते हैं कि हमारे बूढ़ा देव, जिसे हम अपने पुरखा मानते हैं, वैसी वो लोग भी मानते हैं। जैसे धारण, भीलों के प्रत्येक मकानों में उनकी कुल देवी या धारण स्थापित की जाती है। धारण की पूजा को ही भील समुदाय के लोग कुल देवी की पूजा करना कहते हैं। यह भीलों की लोक देवता मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब से भीलों की उत्पत्ति हुई है, तब से धारण अर्थात कुल देवी की प्रतिमा उनके मकानों में स्थापित है। उनके मकानों में यह धारण कुल देवता भीलों की पूजा स्थल होता है। विवाह के आयोजन में धारण की विशिष्ट पूजा को भील समुदाय के लोग घिरसेरी पूजना कहते हैं। बाप देव, भीलों के गांव में आदि काल से उनके लोक देवता बाप देव स्थापित है। भीली भाषा में बाप देव को बाबूड़ा कहा जाता है।
हमारे यहाँ उसे बूढ़ा देव कहते हैं, बुढ़ाल पेन कहते हैं, तो वो लोग उन्हें बाबूढ़ा बोलते हैं। बाबूढ़ा शब्द का अर्थ है बूढ़े 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 बाप दादाओं के दादा। इस स्थान पर भी लोग अपने पुरखों को याद करते हुए महुए की दारू तर्पण करते हैं। भीलों में विवाह आयोजन में भी बाप देव की पूजा की जाती है। रानी काजल माता। ऐसा माना जाता है कि भीलों के निवास क्षेत्र के समीप ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर भीलों के सभी गांवों में सदियों से रानी काजल माता की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यह भी भीलों की लोक देवता है। शोध कार्य से ज्ञात हुआ कि वर्षा ऋतु में सूखा पड़ने की स्थिति में भीलों द्वारा अपनी लोक देवी रानी काजल माता की पूजा करते हुए गाना गाते हैं, जिसे हिंदी में गाथा कहा जाता है। गुहा बाबा। गुहा बाबा को भील समुदाय के लोग पशुओं के लोक देवता कहते हैं। यह ज्ञात हुआ कि भीलों में दिवाली को पशुओं का पर्व माना जाता है। इस अवसर पर वे अपने अपने पशुओं को गुहा बाबा की परिक्रमा करवाते हैं और गुहा बाबा से विनती करते हैं कि वह भीलों के पशुओं को सुखी और निरोग बनाए रखे। उसके बाद है उनकी और जो लोक देवता हैं वो है सात माताएं। सात माताएं भी भीलों की लोक देवता मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनके गांव में किसी भी प्रकार की बीमारी को रोकने का कार्य सात माताएं करती हैं। यहाँ हमारे तरफ छत्तीसगढ़ में ये मानते हैं कि जो हम जिम्मेदारी न्याया शीतला आया बोलते हैं, वैसी ये लोग भी मानते हैं। प्राकृतिक प्रकोप से संबंधित बीमारियों के लिए भीलों में सात माताएं की पूजा की जाती है और मन्नत ली जाती है। इस आधार पर सत्य है कि भीलों में अपने लोक देवताओं के प्रति अटूट विश्वास होता है। भीलों के इतिहास और संस्कृति मुख्य रूप से उनके लोकगीतों में उपस्थित है। भीलों द्वारा प्रमुख रूप से जो गायना अर्थात गाथाएं गाया जाता है, उनमें से रानी काजल माता, झाड़फूंक, बड़वा ख्याल, पिठौरा बाबा, नवाई पर्व आदि है। सभी गायना में भीलों की विशिष्ट संस्कृति का परिचय दिखाई देता है। उनकी विशिष्टता यह है कि उनके द्वारा जो गाथाएं गाई जाती हैं वह लिखित रूप में नहीं है, वाचिक रूप में भीलों के गायना आज भी जीवित है। यह देखा जा सकता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति से अधिक प्रभावी रूप से गायने को निरक्षर भील लोग गाते हैं। उनके सांस्कृतिक व्यक्तित्व को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भीलों की संस्कृति ही इतनी समृद्ध है कि भील अपनी भाषा में गीत गाते हैं, नाचते गाते हैं। भीलों द्वारा गायना का आयोजन ब्रह्मांड के संपूर्ण प्राणियों के हित में गाए जाते हैं। जीव उत्पत्ति की अवधारणा अर्थात परिकल्पनाओं से लेकर वर्तमान समय तक को मौखिक रूप से गायना में प्रस्तुत किया जाता है। जो व्यक्ति यह कथा गाकर सुनाता है उसके गीत को ढाक वादन के साथ गायना कहते हैं। इस गायने पर जो बड़वा नाचते हुए नृत्य करता है उसे बड़वा ख्याल की गाथा भी कहा जाता है। जिसे गायना की संपूर्ण मौखिक जानकारी होती है वे समूह में ढाक अर्थात डमरू के आकार का वाद्य यंत्र बजाकर गायना के गीत गाते हैं और जब तक गायना के प्रारंभ से लेकर उसके आखिरी तक गाया जाता है। गायना के समय बीच में बड़वा को ढाक बजाकर और गीत गाकर रात भर नचाते हैं। भीलों के पारंपरिक वाद्य यंत्रों में ढाक अर्थात डमरूनुमा, पावलू, पिया, बांसुरी आदि प्रमुख है। इन वाद्य यंत्र की मधुर तरंगे पृथ्वी के संपूर्ण जीव सुनते हैं और महसूस करते हैं। इन वाद्य यंत्रों से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उन्हीं के माध्यम से भील समुदाय के लोग अपने पूर्वजों को उनके त्योहारों के लिए आमंत्रित करते हैं। जंगलों में भील ग्वाले आज भी वाद्य यंत्र की तरंगों के माध्यम से अपने जानवरों को बुलाते हैं और जानवर भी उनके पीछे दौड़े चले आते हैं। अतः यह सत्य है कि वैज्ञानिकों से पहले आदिवासियों ने तरंगों को महसूस किया था। भीलों की पूजा पद्धति पूर्ण रूप से प्रकृति को समर्पित होती है। किसी भी सांस्कृतिक आयोजनों के शुरुआत में वे दारू को तर्पण करते हुए कहते हैं, हे चांद, सूरज, आग, हवा, अग्नि, पानी, धरती, अन्न, दाना और पुरखों की आत्माओं को हम याद करते हैं। ऐसा कहते हुए धीरे धीरे महुआ की दारू की बूंदें धरती पर गिराते हैं। इस तरह भील समुदाय के विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं से ज्ञात होता है कि भील दर्शन एक संपन्न रूप से आज भी जीवित है। उनका साहित्य मौखिक रूप से उनके पास है और यही मौखिक परंपरा उनकी संस्कृति को जीवित रखने का कार्य कर रही है।
संदर्भ सूची है प्रत्यक्ष अवलोकन एवं विक्रम आचार्य वर्ष 40 वर्ष ग्राम पलसूद पोस्ट पलसूद तहसील राजपुर जिला बड़वानी मध्य प्रदेश के कथन अनुसार दिनांक 31 अगस्त 2019 प्रत्यक्ष अवलोकन एवं धन सिंगोरे आदिवासी कॉलोनी भीकन गांव जिला खरगोन मध्य प्रदेश से दिनांक 10 अगस्त 2019 को हुई चर्चा के अंश प्रत्यक्ष अवलोकन एवं प्रताप सिंह जमरा 60 वर्ष ग्राम होलगांव पोस्ट सिलावद तहसील बड़वानी जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से दिनांक 23 अगस्त 2019 को हुई चर्चा के अनुसार। चौथा है प्रत्यक्ष अवलोकन एवं भूरालाल जमरा वर्ष 52 ग्राम होलगांव पोस्ट सिलावद तहसील बड़वानी जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से दिनांक 24 अगस्त 2019 को हुई चर्चा के अनुसार यह लेख लिखा गया है। सादर सेवा जोहार सगजन।